नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में महेंद्र सिंह धोनी ने जैविक खेती करने का फैसला लिया था। अपने फार्म हाउस पर जैविक खेती उन्होंने की भी थी और अब एक और खबर आ रही है उनसे जुड़ी हुई कि वो अब एक और बिजनेस में अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं और वो बिजनेस है मुर्गी पालन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और मुर्गी पालन में कुछ खास चूजों का उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है, यानी बहुत जल्दी उनको वो ऑर्डर मिल जाएगा और उसके बाद वो मुर्गी पालन करना शुरू कर देंगे। धोनी इस वक्त रांची में, आपको पता ही, हमने उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब वो बाइक से घूमने निकले थे। और अब ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, ये दरअसल एक न्यूज वेबसाइट दैनिक भास्कर ने एक खबर दी है, उनके मुताबिक धोनी ने झबुआ के मुर्गी पालन सहकारी संस्था के विनोद मेडा को कड़कनाथ के 2000 चूजों का ऑर्डर दिया है। कड़कनाथ प्रजाति के 2000 चूजों का ऑर्डर दिया है। ये प्रजाति बहुत ही खास होती है, बताऊंगा आगे कि क्यों खास होती है। और बकायदा धोनी ने इसके लिए अभी 1,00,000 रुपए वहां पर जमा भी करा दिए हैं। और जो विनोद मेडा है वो 15 दिसंबर को धोनी के फार्म हाउस पर ये डिलीवरी करने जाएंगे। धोनी ने अपना ये ऑर्डर अपने पुराने दोस्त और वेटरनरी डॉक्टर कुल्डू की मदद से एक तरीके से किया है। वो इनकी मदद करेंगे मुर्गी पालन के क्षेत्र में, वो बताएंगे कैसे क्या होता है सब। आपको बता दें, ये कड़कनाथ मुर्गों की जो प्रजाति है बहुत ही खास प्रजाति होती है। इनकी चाहे चोंच हो, कलंगी हो, कलंगी से लेकर नाखून हो, ये सब काले रंग के होते हैं। और इन जो है चूजों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फैट की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये एक खास प्रजाति है जिसको एक तरीके से अब पालेंगे महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म हाउस पर। और ये उन्होंने एक नया फैसला लिया है। धोनी इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं, अलग कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, तो एक ये भी खबर आई है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? धोनी ये जो अब मुर्गी पालन करने जा रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको धोनी से जुड़ी हुई, टीम इंडिया से जुड़ी हुई, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।